स्वागत है आज सभी का मेरे चैनल पर। आज हम जानेंगे कि पीएमएस हरियाणा प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम पर हम अपनी प्रॉपर्टी को कैसे सर्च करते हैं। ब्राउज़र के एड्रेस बार में हम यहाँ पे PMSHARYANA.com PMSHARYANA.com लिखेंगे और ऐसे हमारा इंटरफेस दिखेगा। इसमें हम जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है उस डिस्ट्रिक्ट में हम अपने जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम, ज़िले का नाम रखेंगे, डालेंगे इसमें। और जैसे मैं अभी पानीपत से हूँ तो पानीपत इसमें हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद म्यूनिसपैलिटी भी पानीपत है तो पानीपत में हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि व्यू ऑन मैप, जो व्यू ऑन मैप यहाँ पे व्यू व्यू लिस्टिंग और व्यू ऑन मैप मतलब मैप के थ्रू हम कैसे देखें अपनी प्रॉपर्टी तक कैसे पहुँचें। तो व्यू ऑन मैप के थ्रू हम अपनी प्रॉपर्टी तक पहुँचेंगे। जैसे ही मैंने व्यू ऑन मैप पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैप खुलना स्टार्ट हो जाएगा। अब धीरे धीरे हम इसको जूम करेंगे, जूम इन करेंगे, ताकि इसके बड़े व्यू में हम देख सकें कि जो पर्टिकुलर एरिया वो कहाँ पे खुलेगा। तो यहाँ पे हम स्क्रीन को बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखिए अभी हम जूम इन कर रहे हैं ताकि ये कौन सा एरिया अभी खुला है, पहले हम ये देख लेते हैं इसमें कौन सा एरिया अभी खुला है। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से है तो पहले आप चेक कर लीजिए कि कौन सा एरिया। ये देखिए यहाँ पे प्लस का निशान है, इससे हम जूम इन करते हैं। और अभी हमने जो एरिया, हमारा एरिया खुला वो बस स्टैंड के आसपास का, पानीपत बस स्टैंड के आसपास का एरिया खुला है। तो अभी हम बस स्टैंड के आसपास हैं। और जो भी एक स्टैंडर्ड जो मैप होता है, स्टैंडर्ड मैप का जो फॉर्मेट होता है, हमेशा ऊपर की तरफ वो नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ, और जो हमारे राइट हैंड साइड पे होता है ईस्ट साइड में होता है, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा वेस्ट होता है। मतलब ऊपर की तरफ उत्तर दिशा होती है, नीचे की तरफ दक्षिण दिशा होती है, और जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसकी तरफ हमारा वेस्ट होता है, पश्चिम होता है, और जो हमारा राइट हैंड होता है, राइट हैंड की तरफ हमारा ईस्ट होता है, जहाँ से सूर्य निकलता है। तो इस तरह से हम अपनी ये देख सकते हैं कि पर्टिकुलर जो हमारा एरिया, जिस प्रॉपर्टी को हम सर्च करना चाहते हैं, वो किस डायरेक्शन में है। तो इससे हमें बहुत अच्छा हिंट मिलेगा ताकि हम अपनी प्रॉपर्टी तक पहुंच सकें। तो इसके अभी मैं धीरे धीरे अब प्रॉपर्टी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हमारी एक प्रॉपर्टी है मॉडल टाउन में, तो मॉडल टाउन की तरफ हम जाने की कोशिश करेंगे। मॉडल टाउन में सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉडल टाउन में बस स्टैंड से मॉडल टाउन की तरफ का सबसे जो शॉर्ट रास्ता है वो हम असंध रोड से जाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए ये यहाँ पे असंध रोड आ गया है, और ये असंध रोड है, और उसके बिल्कुल साथ में ही जो इंसार बाज़ार वाली गली है, वो मार्केट वाली गली है, वो इसके बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, तो अभी हम ये असंध रोड वाला जो है, असंध रोड के साथ साथ में चलेंगे। ये देखिए ये असंध रोड चल रहा है अभी। अभी यहाँ पे अभी फ्लाईओवर आ जाएगा। ये देखिए फ्लाईओवर आ गया, और ये रेलवे ट्रैक है, और रेलवे ट्रैक से बिल्कुल ये देखिए ये हमारा रामलाल चौक गया। अभी हम थोड़ा सा इसको हम अभी मॉडल टाउन की तरफ इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को, और इसमें मॉडल टाउन की तरफ थोड़ा सा जूम आउट करके हम देख रहे हैं इसमें, ताकि हम वहाँ तक पहुँच जाएं। तो ये देखिए मॉडल टाउन हमें दिखना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए जो बिल्कुल ये खाली मैदान सा दिख रहा है, ये हमारा शिवाजी स्टेडियम, आजकल शायद इसको ताऊ देवीलाल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। तो ये रेलवे ट्रैक है, और यहाँ से हम यहाँ पे ये जो है ये शिवाजी स्टेडियम है, ताऊ देवीलाल स्टेडियम, और हमने यहीं पे एक हमारी प्रॉपर्टी है उसको हमने सर्च करना है। तो एरिया के बारे में अगर थोड़ा सा और हम डिस्कस करें, तो जैसे हम इसको स्क्रॉल करेंगे इस साइड पे, देखो हमें ये जो पैरेलल कैनल है हमारे, जो नहरें हैं दो, तो वो एरिया हमें दिखाई देना पड़ गया। ये चौकी है, जो पुलिस चौकी, ये एक पहली नहर है, ये दूसरी नहर है, और ये जो एरिया है
इसको बोलते हैं फ्रेंच एंड अग्रसन कॉलोनी। ये आसन रोड और जैटल रोड के बीच में, इसको फ्रेंच एंड अग्रसन कॉलोनी बोलते हैं। और इसके बिल्कुल बगल में फ्रेंड्स कॉलोनी है, और ये हाँ ये फ्रेंड्स कॉलोनी है। और ये जो है ये मॉडल टाउन का एरिया है, ये मॉडल टाउन का एरिया है। अब यहीं पे हमने मॉडल टाउन के जो शिवाजी स्टेडियम है, देवीलाल जो स्टेडियम है, उधर ही हमने एक प्रॉपर्टी सर्च करनी है, उसके बिल्कुल साथ में ही है। तो हम इसको बिल्कुल लास्ट तक जूम इन कर लेंगे, बिल्कुल लास्ट तक, जब तक ये हाईलाइट होना ना बंद हो जाए, ये प्लस का निशान। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये जो प्लस का निशान है, जब तक ये हाईलाइट होना बंद ना हो जाए, मतलब काम करना ना बंद कर दे, तब तक हम इस पर क्लिक करते रहेंगे बिल्कुल। तो अभी देखिए, मैं एक बार और क्लिक करूँगा इस पर, तो ये हमें अभी ये डी हाईलाइट हो गया है। ठीक है, जैसे डी लाइट हाईलाइट होएगा तो ये हमें जो लोकेशन ब्लून है, ये हमें दिखाई देना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए, ये मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे हमें ये प्रॉपर्टी दिखाई दी, जो कि मिक्स यूज प्रॉपर्टी है, क्योंकि उस पे प्रॉपर्टी पे भी एम लिखा हुआ था, जो लोकेशन ब्लून है उस पे एम लिखा हुआ था। और जैसे ही मैंने यहाँ पे, ये देखिए, ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी, इस पे आर लिखा हुआ था, और ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, सी लिखा हुआ है। तो इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए कमर्शियल प्रॉपर्टी है, और जो वैकेंट प्लॉट है उस पे वी लिखा हुआ, ये देखिए ये इस साइड में है वैकेंट प्लॉट, ये रहा, तो ये वैकेंट प्लॉट वी लिखा हुआ है, तो ये वैकेंट प्लॉट है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं सारी डिटेल। जैसे ही हम इस पे जो ये प्रॉपर्टी है जो हमने सर्च करना है, हम व्यू पे क्लिक करेंगे ताकि हम इसकी डिटेल को देख लें, और इसको कंट्रोल दबा के तब हमने क्लिक करना ताकि इसको हम अलग टैब में खोल सकें। तो हमने ये प्रेस कर दिया है और इसकी पूरी डिटेल हमारे सामने आ गई है। ये देखिए नीचे पूरी डिटेल हमारे सामने इसकी खुल गई है। अभी हम जो ऊपर की तरफ देख रहे हैं, जो 1GLKQF34 है, ये इसकी यासी द्वारा दी गई प्रॉपर्टी आईडी है, और ये एड्रेस है नीचे, ये सारा एड्रेस है। और इस एड्रेस में ये प्रॉपर्टी का जो टाइप है मिक्स यूज है, यहाँ पे 600 यार्ड्स मतलब 600 गज है, ये देखिए यहाँ पे ओल्ड प्रॉपर्टी आईडी को इन्होंने नए लिखा है, मतलब यहाँ पे ओल्ड प्रॉपर्टी आईडी लिंक नहीं है, और इसके ऑनर हैं राजेश और संजय। अब हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे इसको, ये देखिए इसमें ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर में दो टाइम में डिवाइड है, ये इसमें जो 400 स्क्वायर फीट है, सॉरी वो 500 गज है वो, ये देखिए ये स्क्वायर फीट में है, 9 से गुना करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर यार्ड को 9 से गुना करेंगे तो इसमें स्क्वायर फीट में आ जाता है। तो अगर हमें फुल डिटेल इसकी चेक करनी है तो व्यू फुल इंफॉर्मेशन पे हम क्लिक करेंगे, और जैसे व्यू फुल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो इसकी ये हमें लॉगिन के लिए मांगेगा, या हम लॉगिन पहले भी कर सकते हैं, बट लॉगिन के लिए सिर्फ मोबाइल नंबर डालना है और एक ओटीपी आएगा, तो इसमें आप साइन अप कर लेंगे। तो इसमें साइन अप करने के बाद आप व्यू फुल इंफॉर्मेशन, ओनली 3 प्रॉपर्टीज़ का ही फुल इंफॉर्मेशन देख पाएंगे, क्योंकि ये इन्होंने कंडीशन लगा रखी है। इस तरह से अगर हमें कोई रेज ऑब्जेक्शन करना है तो रेज ऑब्जेक्शन, हालांकि आजकल रेज ऑब्जेक्शन इन्होंने बंद कर रखे हैं, रेज ऑब्जेक्शन अभी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इनका जो टाइम था ऑब्जेक्शन लेने का वो ख़त्म हो चुका है। तो इस तरह से कोई भी प्रॉपर्टी आपको सर्च करनी है तो आप सर्च कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।